कर्नाटक में कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत को लेकर कांग्रेस जनों ने दक्षिणमुखी जेल वाले हनुमान मंदिर पर दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद बस स्टैंड पर खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई तथा आतिशबाजी की। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बैरागी, तेजस्वी मांजरेकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित है। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। हनुमान जी के मंदिर में दीप दान किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया, आपने क्या उद्देश्य था? देखिए, आज कांग्रेस का कर्नाटक का रिजल्ट आया है। 13 मई की तारीख कर्नाटक और भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 136 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में बनाने जा रही है। कर्नाटक में हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कर्नाटक में PFI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल को बैन करेंगे, क्योंकि वहां पे उन लोगों का बहुत ज्यादा आतंक था। तो केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में जब रैली की तो उन्होंने जाकर ये कहा कि बजरंग बली को कांग्रेस पार्टी ने बैन करने का कहा है। लेकिन आज आप सहयोग देखिए, शनिवार का दिन है और हम ऐसा मानते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में कि शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, और आज हनुमान जी के दिन वाले शनिवार के दिन कांग्रेस का रिजल्ट आया है और उसमें हनुमान जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। इसीलिए हम सब कांग्रेस परिवार के लोग खातेगांव विधानसभा के कन्नौज में हनुमान दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में आकर हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए 151 दीप जलाकर और हनुमान चालीसा का पाठ करके आज हमने हनुमान जी महाराज का धन्यवाद किया है। हम इस उपलक्ष्य में कर्नाटक की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस की जो रीति नीति से कर्नाटक की जनता ने प्रभावित होकर 40% की सरकार को नकारा है, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, DK शिवकुमार जी और सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। परसों सरकार का गठन होने की संभावना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।